अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब बखैर वाफियत होंगे। आज का मेरा टॉपिक है एक्नी एंड पिंपल्स। जी, तो अब आते हैं कि एक्नी और पिंपल्स क्या हैं और इन दोनों में क्या फ़र्क है। एक्नी एक्नी इज़ अ कंडीशन दैट अकर्स व्हेन योर हेयर फॉलिकल्स बिकम प्लग और ब्लॉक विद ऑयल एंड डेड स्किन सेल्स। इट ऑल्सो कॉजेज वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स और पिम्पल्स। पिम्पल्स It's a small pustule or papule that develops when sebaceous glands or oil glands become clogged and infected, leading to swollen red lesions with pus. Pimples are the part of acne. Difference between acne and pimples. Acne is a disease and pimples are one of its symptoms. Acne एक ऐसी condition का नाम है जिसमें हमारे skin pores डेड स्किन या ऑयल से बंद हो जाते हैं। जिन अफराद की स्किन ऑयली होती है, अमूमन उनमें एक्नी का मसला ज़्यादा होता है और फिर बाज़ औक़ात स्किन पर ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स या फिर बारीक बारीक दाने बन जाते हैं, जिनमें या तो पस होती है या फिर बाज़ औक़ात ब्लडी पिम्पल्स भी नुमाया होते हैं। पिम्पल्स और एक्नी की यही अलामात और यही इकसाम है जिसमें जल्द पर बारीक दाने उभरने लगते हैं। बास केसेस में ये पस बन जाते हैं और बारीक बारीक पिंपल्स हो जाते हैं और बास में रेड कलर के होते हैं। अक्रेंस ऑफ एक्नी एंड पिंपल्स। एक्नी और पिंपल्स ज़्यादातर चेहरे पर, सामने की जानेब, माथे यानी फोरहेड पर, चेस्ट और कंधों पर और कमर के ऊपर पाए जाते हैं, क्योंकि इन जगहों पर सेबेशियस ग्लैंड यानी ऑयली ग्लैंड्स ज़्यादा मौजूद होते हैं। ये किसी भी एज में हो सकते हैं, लेकिन एक्नी एंड पिंपल्स टीन एज यानी प्यूबर्टी एज में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये उम्र का वो हिस्सा होता है जिसमें हॉर्मोन्स तेज़ी से सिक्रीट हो रहे होते हैं। रिस्क फैक्टर्स और कॉजेज ऑफ एक्नी एंड पिंपल्स। एक्नी और पिंपल्स की अहम वजूहात में सबसे पहली वजह है स्किन सेल्स और सेबेशियस ग्लैंड्स में सीबम यानी ऑयल और वैक्स का ज़्यादा सिक्रीट होना। नंबर टू, बाज़ केसेस में फेस पर ज़्यादा हेयर ग्रोथ होने से या फिर ऑयल की सिक्रीशन से स्किन पोर्स बिल्कुल बंद हो जाते हैं। नंबर थ्री, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन इसका सबब बन सकता है, जैसे पी एक्नेस नामी एक बैक्टीरियम है जो स्किन सेल्स में आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करके इन्फेक्शन का बायस बनता है। नंबर फोर, एंड्रोजन हार्मोन भी अगर ज़्यादा मिकदार में सिक्रीट हो रहा हो तो भी स्किन पर एक्नी या पिंपल्स हो जाते हैं। नंबर फाइव, अमूमन टीन एज या प्यूबर्टी एज में इसकी अलामत ज़्यादा सामने आती हैं, क्योंकि इस एज में हॉर्मोन्स तेज़ी से सिक्रीट हो रहे होते हैं। नंबर सिक्स, ये बीमारी जेनेटिकली भी सामने आ सकती है, यानी अगर किसी के पेरेंट्स को किसी भी एज में एक्नी या पिंपल्स का मसला हुआ हो तो अमूमन उनके बच्चों को भी हो जाता है। नाउ द टाइप्स ऑफ एक्नी। वाइट हेड्स, क्लोज्ड प्लग्ड पोर्स। ब्लैक हेड्स, ओपन प्लग्ड पोर्स। पेप्यूल्स, स्मॉल रेड बम्प्स। पिंपल्स, फिल्ड विद पस। नोड्यूल्स, लार्ज हार्ड पेनफुल लम्प्स अंडर स्किन। सिस्टिक लेजन्स, पेनफुल पस फिल्ड लम्प्स। ट्रीटमेंट, सबसे पहले मैं आपको ऑरल मेडिसिंस बताऊंगी, आप इन्हें नोट कर लें और अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स आप इनका इस्तेमाल करें। फिर इसके बाद आप लोकल एप्लीकेशन भी नोट कर लें। ऑरल मेडिकेशन, बेलाडोना 200। बेलाडोना 200 कील महासे, शदीद खारिश, सुर्ख बारीक दाने जिनमें गर्मी और जलन का एहसास हो, इसमें ये मेडिसिन इस्तेमाल करें। नंबर टू, एस्टेरियस र्यूबिन्स। एस्टेरियस र्यूबिन्स पोटेंसी 200 कील वाली एक्नी हो, ज़्यादातर चिन यानी थोड़ी पर और नोज के पास दाने हो जिनमें से स्मेली सिक्रीशन हो और बाद में एक्री स्कार्स बन जाए। नंबर थ्री, ग्रेफाइट्स। ग्रेफाइट्स पोटेंसी 200 मोटी और सख्त स्किन हो जाए, एक्नी और पिंपल्स के साथ फ्रैकल्स यानी झाइयाँ भी पड़ जाएं, शदीद ख़ारिश हो, गर्मियों में अलामात में इजाफा हो। नंबर फोर, कैल्केरिया सल्फ। कैल्केरिया सल्फ पोटेंसी 200
एक्ने की ये बेहतरीन मेडिसिन है। चेहरे और कानों के करीब एक्ने और पिंपल्स हों जिनसे येलो सिक्रेशन हो, उसमें ये मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप आ जाएं एक्ने सोप की तरफ। सबसे पहले एक बेस्ट एक्ने सोप है सेप्टी ब्लू, इच क्रोमा, एक्ने पिंक और नीम सोप। मार्केट में ये आसानी से अवेलेबल हैं। इनमें से कोई भी एक आप एक्ने सोप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप आ जाएं लोकल एप्लीकेशन की तरफ। क्रीम फॉर स्वेयर एक्ने, शदीद एक्ने में ये क्रीम इस्तेमाल करें। रियोमैक्स मदर टिंचर 20 ड्रॉप्स, ऑसिमम मदर टिंचर 20 ड्रॉप्स, बेसिलिनियम मदर टिंचर 20 ड्रॉप्स, मर्क सॉल मदर टिंचर 30 ड्रॉप्स और वाइट मेडिकेटेड क्रीम। आप ये तमाम मेडिसिंस वाइट मेडिकेटेड क्रीम में डालें और इसको एक दिन पड़ा रहने दें। इसके बाद दिन में दो दफ़ा यानी सुबह और रात को सोते वक्त इसका इस्तेमाल करें। एक्ने स्कार्स, अगर एक्ने के बाद एक्ने के निशान रह जाएं तो आप ये मेडिसिंस दिन में दो बार इस्तेमाल करें। सिम्फाइटम मदर टिंचर 30 ड्रॉप्स, ग्रेफाइट्स पोटेंसी 1 एम 20 ड्रॉप्स, आर्निका मदर टिंचर 30 ड्रॉप्स और वाइट क्रीम। इसी तरह वाइट क्रीम में ये तमाम मेडिसिंस डालकर दिन में दो बार इस्तेमाल करें। अगर मेल मेंबर्स में एक्ने हो तो वो ये मेडिसिंस का इस्तेमाल करें। टर्मेरिक मदर टिंचर 30 ड्रॉप्स, कर्क्यूमा लौंगा मदर टिंचर 10 ड्रॉप्स, कैमोमिला मदर टिंचर 10 ड्रॉप्स, विच हेजल मदर टिंचर 20 ड्रॉप्स और वाइट क्रीम। इसी तरह वाइट क्रीम में ये तमाम मेडिसिंस डालकर एक दिन इनको पड़ा रहने दें और नेक्स्ट डे से आप इनको बाकायदगी से इस्तेमाल करें। पिंपल्स और एक्ने, यानी एक्ने के साथ साथ अगर स्किन पर पिंपल्स भी हैं तो ये क्रीम इस्तेमाल करें। सार्स सप्रिला मदर टिंचर 20 ड्रॉप्स, हिमामेलस मदर टिंचर 20 ड्रॉप्स, आज़ादी रिक्टा मदर टिंचर 20 ड्रॉप्स, एकिनेशिया मदर टिंचर 15 ड्रॉप्स, कैलेंडुला मदर टिंचर 10 ड्रॉप्स और वाइट प्लेन क्रीम। तमाम मेडिसिंस को इसमें डालकर आप एक दिन पड़ा रहने दें और नेक्स्ट डे से बाकायदगी से इस्तेमाल करें। इन तमाम क्रीम्स के इस्तेमाल से पहले अफेक्टेड एरिया को साफ पानी से अच्छी तरह धो लें और फिर ग्लव्स पहनकर क्रीम को मुतासर जगह पर दिन में दो बार लगाएं। इंशाल्लाह बाकायदगी से क्रीम इस्तेमाल करने और मेडिसिंस खाने से आपके अलामात में खातिर ख्वाह कमी वाकई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मजीद वीडियोज़ के साथ मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।